जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी के बड़े बड़े खुफिया स्टॉक मौजूद होने का इंकशाफ। जिला इंतजामिया की दो रोजा छापामार मुहिम ने भाड़ा फोड़ दिया। दो रोज में 11,000 से ज्यादा चीनी की बोरियां कब्जे में ले लीं। छापों और खुफिया इतलात का निजाम वजह न होने से जखीरा अंदोज माफिया बेलगाम। गोदाम पकड़े जाने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं होते या गोदाम सील करके मामूली जुर्माना किया जाने लगा। दो हजार छह में गलती से बॉर्डर क्रॉस करना महंगा पड़ गया। खानपुर का नौजवान आज भी भारतीय जेल में कैद। 14 साल कैद काटने के बावजूद नौजवान को रिहाई न मिल सकी। वालिद की हुकूमत ने पाकिस्तान से बेटे की रिहाई की अपील। रहीमिया खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फराहमी मजाक बन गया। 32 स्टोर से चीनी गायब। शहरी मायूस होकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत सिर्फ बराए नाम रिलीफ दे रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा। जनूबी पंजाब की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज को बड़ा धचका। पंजाब हुकूमत का सूबे भर की पीएचएस को फंड देने से इनकार। पीएचएस को अपने वसाइल से कारोबार चलाने और मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के अहकाम। उधर पीएचए भावलपुर ने रेवेन्यू प्लान तश्कील दे दिया। पार्क्स में मैकेनिकल झूले लगाने और टिकट वसूल करने का मुतालिबा। नवाबों का शहर सफाई में एक बार फिर बाजी लेके आया। मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में बहावलपुर पहले नंबर पर। वज़ीर-ए-आज़म ग्रीन एंड क्लीन इंडेक्स में दूसरी पोजीशन पर। सेक्रेटरी बीडब्ल्यूएमसी ने कहा कि तारीफ के असल हकदार कंपनी के खाकरोप हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शहरियों की शिकायत का बरवक्त अजाला किया जाए। काम करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को वार्निंग। शिकायत हल न करने वाले अफसरान को किबला दुरुस्त करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम इदारों को ये सेक्रेटरीज को मुरासला। सरगोधा की आवाम के लिए रिलीफ के दावे मीटिंग तक महदूद। लाखों के फंड से कायम सहूलत बाजारों में बेरानी के डेरे। इंतजामिया दो रोज बाद बाजारों को फाल करने में नाकाम। डिवीजन में खाली सात सहूलत बाजार कायम। दूर दराज से आए गरीब शहरी खार होने लगे। इंतजाम ने जल्द अशिया की फराहमी का कहकर मामला टरका दिया। मेंबर पंजाब बोर्ड रेवेन्यू मलिक जियाउल्लाह का रहीमिया खान के सहूलत बाजार का दौरा। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद के हमरा इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान ताहिर फारूक का सहूलत बाजार का दौरा। मुल्तान में सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब जाहिद हुसैन का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। बोरी के निजाम और दीगर इंतजामात का जायजा। शहरियों को मुनासिब कीमतों पर सब्जी और फल फाहम करना मिशन। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने नीलामी की जायजा लेने के लिए जिलाई अफसरान को जिम्मेदारियां सौंप दी। उधर डीसी मुल्तान ने सब्जी मंडी में नीलामी का जायजा लिया। मस्नूई महंगाई और जखीरांदोजी में मुलविस अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाए। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी की सबराही में प्राइस कंट्रोल इकदाम बारे जायजा इजलास। डिवीजन भर में फौरी तौर पर 24 सहूलत बाजार कायम करने का हुक्म। गाड़ियों के साथ लटकते बच्चे हादसात को दावत देने लगे। रहीमिया खान में वैन मालिकान बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के एवज अपनी जेबें भरने में मगन। तलबा भारी वस्तुओं समेत स्कूल वैन की छत पर सफर करने पर मजबूर। हिफाजती इंतजाम मुकम्मल नजरअंदाज। रही सही कसर इंतजामिया की हर धर्मी ने निकाल दी। शहरी सरापाई सवाल। डेरी खान में क्राउन फेलियर के बढ़ते वाकयात। कलमा चौक पर क्राउन फेलियर के बाद ट्रैक्टर ट्वाली सड़क में धंस गई। उधर भावलपुर में साजदाबान टाउन रोड टूट फूट का शिकार। आला हुकाम से जल्द सड़क की तामीर का मुतालिबा। सरगोधा में नन्हे तलबा और तालिबान का एहतजाज। रोही की खबर पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई। अमला दोवां से मफलूज। निकासी आपके निजाम को ठीक करने के लिए रहमानपुरा पहुंच गया। मकीनों का कहना है कि डंक टपाओ पॉलिसी ना अपनाई जाए। मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल करने का मुतालिबा। लैया के इलाके लुधाना में अवामी मसाइल पर रोही की काविशें रंग ले आईं। सिवेज और गली मोहल्लों के मसाइल पर एमएनए नियाज जखड़ का नोटिस। 2.5 करोड़ की मालिश से लुधाना में सिवेज और टपटाइल के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया।
मुल्तान में सियाहत के फरोग के लिए अमली इकदाम जारी। दमदमा की छत पर मॉडल फूड प्वाइंट बनेगा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने दमदमा पर तफरी माहौल फाहम करने के लिए फूड कंपनियों को नीलामी में शिरकत की दावत दे दी। कहा कि फूड प्वाइंट के क्याम से मुल्तान की सकाफत और सियाहत को फरोग मिलेगा। डीसी मुजफ्फरगढ़ हमदर्द शुएब तरीन का डी डी खान रोड का दौरा। सड़क की तामीर का काम तसली बख्श न होने पर एनएचए से रिपोर्ट तलब कर ली। बोगस सरगर्मियों की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक के डेंगू सरगर्मियों को बिला तासुल जारी रखने के अहकाम पर फार्मेसिस्ट बेहतर न करने वाले अफसरान को नोटिस जारी करने का इंदिया। उधर डीसी भावनगर के इंसदादे डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने का हुक्म। इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर और दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग। रहीमिया खान में हिफाजती ठेकेदार मुहिम मुतासर होने का खदशा। 5 माह से तनख्वाहों से महरूम ईपीआई वर्कर्स डट गए। तनख्वाहें नहीं तो काम नहीं का नारा लगा दिया। सीओ हेल्थ ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा। फिलफौर तनख्वाहें बहाल करने का मुतालबा। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का फैसला नामंजूर। हाइड्रो रेवेन्यू का मैपको रीजन में कल भरपूर एहतजाज का ऐलान। दफातर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का इल्तिजा दे दिया। खूब से खूबसूरत नजराना सिंफ नाजु की कमजोरी। मुल्तान के मारूफ अदाकारों के माबैन कपड़ों के डिजाइन पर झगड़ा। सोशल मीडिया पर दो अदाकारों के माबैन जंग छिड़ गई। अदाकारा अक्सा मलिक ने सुंबल खान पर कपड़ों के डिजाइन चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। सुंबल खान ने अक्सा मलिक को झगड़े की वजह करार दे दिया। अक्सा मलिक का झगड़े पर मौकिफ देने से इनकार। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। आरपीओ भावलपुर मोहम्मद जुबैद रेशक की भावनगर के पुलिस अफसरान से मीटिंग। इलाके में जराइम की रोकथाम और दीगर अमूर का जायजा लिया। आरपीओ भावलपुर का चिश्तियां थाना डहरामाला का दौरा। चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नई तामीर शुदा बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। पौधा भी लगाया। डीपीओ डीजी खान उमर सईद की डीएसपी सिटी और दीगर अफसरान से मीटिंग। थाने की बेहतरी और जराइम की रोकथाम बारे तबादला ख्याल किया। डीपीओ मुस्तनसर फिरोज का ड्राइविंग स्कूल मियांवाली का दौरा। ड्राइविंग टेस्ट के अमल का जायजा लिया। उधर डीपीओ खानेवाल मोहम्मद अली वसीम का पुलिस लाइन का दौरा। पुलिस परेड ग्राउंड और शजरकारी मुहिम का जायजा। कोट मिठन में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात का आगाज। वली है दरबार फरीद खाजा राबेल मोइन कुरीजा ने मुल्क कौम अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी करवाई। दरबार कोट मिठन को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। दरबार फरीद की तरफ आने वाले रास्ते रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। रबीउल अव्वल की आमद आमद शहर औलिया में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर झंडियों बैजेस और दीगर सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। मुल्तान में 75 साल बाबा गुलाम फरीद भी खानाकामा और रोजा रसूल के मॉडल्स बनाने में मसरूफ। दुनियापुर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली। मुल्तान गुलबर्ग में महफिल नात के निकाद मारूफ नात खानों ने गुलहाय अकीदत पेश किया। मुनाफा बख्श काश्त का हसूल हर काश्तकार का ख्वाब। डीजी खान में फौजी फर्टिलाइजर के दर तमाम सेमिनार। माहरीन ज़राअत ने काश्तकारों को आगाही दी। और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमा खान में स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज। फुटबॉल और रस्साकशी के मुकाबलों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की टीमें मद्द मुकाबिल। तालिबात ने रस्साकशी के मुकाबलों में खूब जोर आजमाई की। इब्तदाई मुकाबलों में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स साइंसेज को मात दी।